नमस्कार, आरजेडी की सरकार बनाने के लिए जीतन माझी ने एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान दे दिया। लोकसभा चुनाव में अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विशेष तौर पर कार्य नहीं किया गया और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अगर जीतन माझी के अनुसार नहीं माना गया तो शायद सत्ता की कुर्सी गिर सकती है। एनडीए की सरकार में इस वक्त आपसी खिंचतान में जीतन माझी ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ नया और महत्वपूर्ण बयान दिया है, आइए आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं। पर बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने जिया इस बार अपनी नई ताकत को पेश किया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से नीतीश कुमार का 2024 लोकसभा चुनाव भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मजबूत बात तो यह है कि आज एक एक प्रयासों के बीच में जी हाँ, आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव की ताकतें देखने को मिल रही है। आरजेडी ने अपनी किस ताकत का किया बड़ा इस्तेमाल, आइए देखेंगे विस्तार से। लेकिन समझने की बड़ी कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन की राजनीतिक में किस तरीके की नई भूचाल सामने आई। जेल में बैठे हेमंत सोरेन ने सरकार को क्या संदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने की कोशिश होगी कि सरकार ने इस वक्त अपराधी और बलात्कारियों के लिए कोई जगह नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि ठोस कठोर और कठोर कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या नया रिकॉर्ड स्थापित किया, किस तरीके की बातों को कहा, आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर कैसे फंसा स्टेट बैंक। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से एक बहुत बड़ी कोशिश सामने आई और आरसीपी सिंह जैसा बड़ा नेता भी जेडीयू को मजबूती से क्या रखेगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि देश में इस वक्त मतदान केंद्रों तक लोगों को लाने में किस सरकार और किस पार्टी की अहम भूमिका होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है लोगों के दिलों में। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि आज एक नया प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, आइए देखेंगे विस्तार से। पर बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बताएंगे किस तरीके से लगातार एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबर में समझने की कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते में किस तरीके से अटूट प्रेम आया। नीतीश कुमार के छोड़ जाने के बाद में किस तरीके से झटका दिया उन्होंने। लेकिन बड़ी खबर है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद यादव आज रामबाण बने हुए हैं। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक वह छोड़कर नहीं जाएंगे, शायद यह बात तय है। लेकिन बिहार के चर्चित पत्रकार और युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले मनीष कश्यप ने बताया कि लोकसभा का चुनाव कैसे वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नीतीश बाबू के लिए 2024 जेडीयू की ताकतों के लिए 2024 कई मायनों में खास और अहम बनती चली जा रही है। हालांकि इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बड़ी खबर यह है कि आज 15 सालों से लेकर के आज तक जितना रोजगार नहीं मिला आरजेडी ने उतना रोजगार दिया और आरजेडी इस बात को बार बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त अमित शाह को लेकर के आ रही है। अमित शाह ने 2024 निर्णय और राजनीति के नए परिवर्तन को एक नया जन्म दे दिया है और इस वक्त किस तरीके से बीजेपी खुद की ताकत को मजबूत कर रही है देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर क्यों नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और सवाल का जवाब भी जनता मांग रही है। पर बड़ी खबर राहुल गांधी से लेकर आ रही है। राहुल गांधी ने भी लोकसभा के चुनाव में अपनी कैंडिडेटों के लिए 2024 की लड़ाई को आसान कर दिया है, आइए देखते हैं क्या है बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर ललन कुमार सिंह ने जिया लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी खबर दे दी है। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ललन कुमार सिंह ताकतवर होंगे, आपको यह भी जानकारी विस्तार से बताएंगे। लेकिन समझिए कि संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर अहम और महत्वपूर्ण कानून क्या है और बिहार में इस कानून को क्या नया तवज्जो दिया जा रहा है, क्या नई खबर दी जा रही है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तहत अपनी
पार्टी और सीट शेयरिंग के अन्य फॉर्मूले को वह बीजेपी के समर्थन में रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि लगातार एक बार फिर से एक नई कोशिश हेमंत सोरेन करते नजर आ रहे हैं और चंपई सोरेन ने इस पर जवाब भी दिया। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम ने रोजगार के विभिन्न मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, सवाल यही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अयोध्या की वो झांकी, प्रभु श्री राम का वो मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, या इस बार मोदी के कार्य में नहीं आ पाएगी, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन समझिएगा किस तरीके से एकनाथ सिंधिया और उद्धव ठाकरे की लड़ाई आमने सामने युद्ध के तौर पर हो गई है। ये लड़ाई आमने सामने की बड़ी युद्ध की लड़ाई होने जा रही है। हालांकि इस वक्त देश में महंगाई का दौर जारी है और देश में इस वक्त जो है लोगों को बड़ा अलर्ट किया गया है। बताया गया है कि बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि देश में इस वक्त जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा और झंडा मजबूती से सामने निकल करके आ रहा है। पूरी जानकारी आइए देते हैं एक एक कर विस्तार से। दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार के अंदर सरकार और सिस्टम का बहुत बड़ा प्रहार जारी है। माना जा रहा है कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून सुचारू ढंग से लागू ही नहीं हो पाई। ऐसे में इस कानून को रद्द करने की मांग लगातार चल रही है। दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि संपूर्ण शराबबंदी कानून को अगर निष्कासित नहीं किया जाता तो यह देश में बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। ऐसे में इसे खारिज करने के लिए पुनर्जीवित एक नया प्रयास करने की आवश्यकता आ पड़ी है। हालांकि अपनी राय और कमेंट में विचार भी जरूर रख दीजिएगा, इस बार आपका इंतजार करेंगे। कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि लोकसभा के चुनाव में इस वक्त जी बचे हुए कम वक्त है, क्या इस बार मोदी सरकार को शराब के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कानून को मजबूत करना चाहिए, बाहों को मजबूत करना चाहिए, यह जरूर कमेंट करके आप बताइए। बड़ी खबर तो यह है कि एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खबर जो है सामने आया है। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तहत जिया ताकत को मजबूत कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आज उनकी कोशिश कई मायनों में खास है, मुख्य तौर पर एक बहुत बड़ी जानकारी भी खास है। ऐसे में दोस्तों आज की वो संदेश की बड़ी कहानी भी ऐतिहासिक हो रही है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तहत अपनी ताकत को मजबूत करने में कोई कसूर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी उनकी बातचीत जारी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पीछे मुड़ करके वो ना देखने का निर्णय भी ले चुके हैं। उनका मानना है कि बीजेपी सीट शेयरिंग के किसी भी अन्य फॉर्मूले पर अगर नहीं मानती है तो आगे के कदम को आगे की तरफ उठाया जाएगा। जो भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण कदम होगा उसके लिए कार्यरत रहा जाएगा। हालांकि अपनी राय और विचार भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि चिराग पासवान के बारे में आपका क्या सजेशन है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए जी हां 2024 लोकसभा चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में राजद ने अपनी तमाम दिग्गज और बड़े प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिन प्रत्याशियों पर दाव लगाना बहुत आसान हो सकता था। ऐसे में बीजेपी इस वक्त मात खाती हुई दिखाई देगी। आरजेडी के तमाम दिग्गज और शक्तिशाली नेताओं ने, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो तालुकात पूर्व जन्म से ही बीजेपी से रखते हैं, पर टिकट कटने के बाद वह आरजेडी के तरफ झुकाव डालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी ने उन्हें खुश करने के लिए टिकट देने का भी निर्णय ले लिया है। हालांकि बिहार में कई बड़े दिग्गज और फेमस चेहरे को भी आरजेडी इस बार टिकट दे रही है, ताकि किसी भी तरीके से राजद का 2025 का लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से आज जो है वो ये जो चीजें हैं वो मजबूती से बनी रहे। हालांकि आज अपनी राय और विचार भी जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। फिलहाल इंतजार। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि लोकसभा के चुनाव में जिया कई ऐसे चेहरे हैं जैसे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, और यह चेहरों के नाराज होने का पीछे का मूलभूत बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दोस्त, इस सारे चेहरे इस वक्त नाराज हैं और बताया गया है इन सारे चेहरों के नाराज होने के पीछे का वजह कि NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जो बीजेपी लागू करती है, पर इस फॉर्मूले पर बीजेपी के खिलाफ अपनी बगावत और तमाम
तमाम तेवर को अलग अलग व्याख्या तौर पर रखने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि अपनी जानकारी और विचारधीन बातें जो हैं वो ज़रूर रख दीजिएगा। अक्सर हम आपकी बातों का इंतज़ार करेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या सजेशन है यह ज़रूर बताइएगा। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जैसा तमाम दिग्गज बड़े नेता भी लगातार लगे हुए हैं ताकि बीजेपी को आंखों में आंखों को डालकर उससे हिम्मत की जा सके बातें करने की और दिग्गज बड़ी खबर यह है कि इस वक्त बिहार के युवा रोजगार के लिए लगातार कार्यरत हैं। बिहार के युवाओं का मांग है कि सरकार उन्हें रोजगार दे। सरकार रोजगार अगर नहीं देती है तो इस पर भी वो सवाल करेंगे, लेकिन सरकार से रोजगार मांगने की उनकी योजना बहुत पहले से तैयार की गई है। लोगों को ये बात साफ तौर पर पता भी है कि रोजगार का मतलब रोजगार होता है और RJD ने उस रोजगार का मतलब पूरा किया था बिहार में। बिहार में अगर RJD ने उसका पूरा मतलब पूरा कर दिया था, इस बार भी RJD कुछ उसी तरीकों की गुटबंदी और खेमा की तैयारी कर रही है। हालांकि अपनी राय और विचार भी कमेंट में जरूर रखिएगा। आप अक्सर इसके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं जानते हैं अपने विचार जरूर रख दीजिएगा। इंतजार करेंगे आपकी बातों का, आपके कमेंट का। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।